अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब जानते हैं कि एएमपी की शुरुआत आज से 12 साल पहले हम लोगों ने शहर बम्बई से की थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो छोटी सी शुरुआत एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल ले चुकी है। मुल्क में ना तकरीबन 100 से ज़्यादा शहरों में एएमपी की ब्रांचेस कायम है, ना सिर्फ मुल्क में बल्कि मुल्क से बाहर भी तकरीबन 15 अलग अलग कंट्रीज़ में एएमपी के वॉलंटियर्स अपना काम करते हैं। उसी दौरान हम लोगों ने 2013 में एएमपी ज़कात फ़ंड की भी बुनियाद डाली और अल्हम्दुलिल्लाह ये तजुर्बा बहुत कामयाब रहा। पिछले 7 सालों से लगातार हम हायर एजुकेशन के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, ऑर्फन्स की बेसिक एजुकेशन के लिए और कुछ तलबा को आईआईटी जो आईआईटीएंस हैं उनकी फ़ीस भरने के लिए ज़कात फ़ंड के ज़रिए लगातार मदद करते रहे हैं। पिछले 7 सालों में तकरीबन 3.25 करोड़ रुपये जो है ज़कात फ़ंड के ज़रिए दिए गए और तकरीबन 2000 से ज़्यादा बेनिफिशियरीज़ हैं। इस पूरे ज़कात फ़ंड की खास बात ये रही कि हम लोगों ने ये कोशिश की कि आज के जो ज़कात लेने वाले हैं वो कल के ज़कात देने वाले बने और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुहिम में हम लोगों को बहुत ज़बरदस्त कामयाबी मिली। ख़ास तौर पर जब आप देखेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात हो या हायर एजुकेशन की बात हो तो उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरीज़ रहे। पिछले साल 2019 की अगर आप बात करें तो तकरीबन 255 स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन की स्कॉलरशिप दी गई और तकरीबन 150 लोगों को अपना खुद का रोज़गार शुरू करने में मदद की गई। ये वो लोग हैं जो छोटी मोटी कोशिश के ज़रिए सेल्फ सस्टेनेबल की बनाया जाए, उनको ये हमारी जो है ख्वाहिश रही। तो ये बहुत एक अच्छा सफ़र रहा। पिछली साल हम लोगों ने एक नेशनल ज़कात सर्वे किया था जिसमें ये जानने की कोशिश की कि लोग एक्चुअल ज़कात के बारे में क्या सोचते हैं, ज़कात को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या उनका क्या मानना है कि ज़कात कैसे डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स हम लोगों को मिली। ख़ास तौर पर जो 2-3 चीज़ें समझ में आई वो ये है कि 60% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि वो लोग हर साल सेम सेट ऑफ इंडिविजुअल्स को अपनी ज़कात देते हैं। कहीं ना कहीं ये जो ज़कात का बुनियादी फ़लसफ़ा है उसके खिलाफ है। हम जिसको ज़कात दें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि आज का ज़कात लेने वाला ज़कात देने वाला बने। ज़कात से हम लोगों को एम्पावरमेंट लाना है, ना कि लोगों को बेगर बनाना है। तो ये हर जगह हमारी कोशिश होनी चाहिए। उसी सर्वे में लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं हम लोगों को बेनिफिशियरीज़ को और डोनर्स को साथ में कनेक्ट करने के लिए कोई एक मैकेनिज़्म की ज़रूरत है, कोई एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। इन्हीं सारी फाइंडिंग्स को देखते हुए हम लोगों ने indiazakat.com के नाम से इंडिया का पहला ज़कात को मैनेज करने वाला क्राउड फंडिंग एक वेबसाइट लॉन्च किया है और अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च होते ही इसको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला और बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म की बुनियादी कोशिश ये होगी कि ज़कात देने वालों को और ज़कात लेने वालों को एक प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट किया जाए, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लिया जाए, सोशल मीडिया का सहारा लिया जाए और उनको कहीं ना कहीं जो रीच है उसकी बढ़ाई जाए। ख़ास तौर पर हमारी कोशिश ये होगी कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जो लोग डेवलपमेंट का काम करते हैं, जो लोग पॉवर्टी एलिवेशन का काम करते हैं या जो सेल्फ सस्टेनेंस के लिए काम करते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को एक जगह लाया जाए और उनको दुनिया के सामने पेश किया जाए ताकि लोग उस तरह के कॉसेस को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सकें। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे भी जो आज अपील करना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि आप सब लोग इस वेबसाइट को विज़िट करिए, इसके बारे में लोगों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में मालूम पड़े, इसको लाइक करें, इसके बारे में NGOs को ख़ास तौर पर बताएं, इसके बारे में डोनर्स को ख़ास तौर पर बताएं और हम सब मिलकर कोशिश करें कि इस पूरे इनिशिएटिव को एक कामयाब इनिशिएटिव बनाया जाए और कोशिश की जाए कि आने वाले सालों में हम लोग सब मिलकर तकरीबन 1 करोड़ जो मुस्लिम्स हैं उनकी लाइफ में कोई ना कोई इनकलाबी तब्दीली ला सकें। इसी यही बुनियादी मकसद है हमारे इस प्लेटफॉर्म का और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे इस मिशन में आप भी भरपूर साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खुदा हाफिज़।